Hello students, welcome to Abhipedia Banking. Firstly, happy new year to all of you. चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द अपकमिंग IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम. एंड उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका प्री क्लियर हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन. चलिए मेंस की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर जग्गा मिशन. जग्गा मिशन के लिए किस स्टेट को मिला है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड. तो देखिए बेसिकली बात यही हो रही है कि जग्गा मिशन किस स्टेट ने स्टार्ट किया है. ये जो जग्गा मिशन स्कीम है ये किस स्टेट की स्कीम है जिसके चलते हुए उस स्कीम के चलते हुए उस स्टेट को अवार्ड मिला, दैट इज वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड. देखिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड देता है यूनाइटेड नेशन, यूएन की एक बॉडी है यूएन हैबिटेट. फर्स्टली हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट होता है, देखिए यूएन चाहता है कि दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अपना रहने के लिए घर और एक शेल्टर होना चाहिए. तो हैबिटेट का मतलब भी यही होता है एक शेल्टर. तो यूएन यही चाहता है कि दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अपना शेल्टर हो. तो ये एक स्कीम है दैट इज जग्गा मिशन. जग्गा मिशन में क्या है कि स्टेट की सरकार ने क्या किया, जो स्लम्स में लोग रहते हैं उन स्लम्स में रहने वाले लोगों को क्या किया, एक अच्छा रहने के लिए लिवलीहुड प्रोवाइड किया. वहां पर उनको सारे रिसोर्सेज और उस प्लेस को उनकी स्लम्स को अच्छे लेवल पे मैनेज किया, अच्छे लेवल पे इनोग्रेट किया ताकि वो अच्छे वे से रह सके. तो इसी के कारण उस सरकार को मिला है क्या, एक अवार्ड, दैट इज वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड. तो ये किस राज्य की स्कीम है जग्गा मिशन, तो ये है ओडिशा की स्कीम. ये ओडिशा की स्कीम है, ओडिशा की सरकार ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जग्गा मिशन. तो अपने इस मिशन के कारण इनको मिला है क्या, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड. वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड देता है यूनाइटेड नेशन. अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के इस यूएन हैबिटेट की, यूएन हैबिटेट ये बॉडी है जो देती है क्या, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड यूएन हैबिटेट. देखिए यूएन हैबिटेट का जो हेडक्वार्टर है, मेनली पेपर में हेडक्वार्टर को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, ये है कीनिया में, दैट इज इन कीनिया. और हम एक डे भी ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज वर्ल्ड हैबिटेट डे. वर्ल्ड हैबिटेट डे दैट इज ऑर्गेनाइज बाय यूएन हैबिटेट, वर्ल्ड हैबिटेट डे. तो देखिए वर्ल्ड हैबिटेट डे की अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड हैबिटेट डे कब होता है, वर्ल्ड हैबिटेट डे होता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को हम ऑर्गेनाइज करते हैं क्या, वर्ल्ड हैबिटेट डे, दैट इज बाय द यूएन हैबिटेट इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. और यहां पर ओडिशा को मिला है इस साल का क्या, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड. चलिए ओडिशा की बात फर्दर करें तो ओडिशा की जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक. बीजू जनता दल की सरकार है, यहाँ पर 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं ये. और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल. एग्जाम में गवर्नर्स को लेकर बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान में रखिएगा, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है. और ओडिशा की एक बात अगर हम और करें, अभी हमारी 17th लोकसभा चल रही है. इस 17th लोकसभा की सबसे जो यंगेस्ट एमपी है या यंगेस्ट एवर पार्लियामेंटेरियन है उनका नाम है चंद्रानी मुर्मू. उनका नाम है चंद्रानी मुर्मू. ये चंद्रानी मुर्मू जी ओडिशा से ही हैं. चंद्रानी मुर्मू 26 साल की है, ये 26 इयर्स ओल्ड है. ये ओडिशा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट. तो ये ओडिशा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और अभी हमारी 17th लोकसभा की सबसे यंगेस्ट एमपी है ये, सबसे यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ 17th लोकसभा. इनकी पार्टी भी बीजू जनता दल ही है जिनकी यहाँ पर सीएम है, नवीन पटनायक की पार्टी की ही है ये, दैट इज चंद्रानी मुर्मू. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आरबीआई इज इंक्रीज द हाउस होल्ड इनकम लिमिट्स फॉर बोरोवर्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन रूरल एरियाज. देखिए वो पर्सन्स जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं उनके लिए एक इनकम का क्राइटेरिया होता है कि इतनी इनकम वाले पर्सन्स को ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये लोन दे सकती हैं. तो अभी आरबीआई ने क्या किया, जो रूरल एरियाज में इनके बोरोवर्स होते हैं उनके लिए चेंज किया है क्या, इनकम लिमिट. अर्बन के लिए भी बेसिकली चेंज किया, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रूरल एरियाज में रहने वालों के लिए कितना कर दिया, प्रेजेंटली इनको कितना मिलता है, प्रेजेंटली इनकी इनकम लिमिट क्या है. प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में रहने वाले पर्सन की इनकम होनी चाहिए 1 लाख एंड फॉर द अर्बन इट्स 1.6 लाख. 1,60,000 रुपए था, अभी आरबीआई ने इंक्रीज करके क्या कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग
इस लोन का इन कंपनी से लोन ले पाए। अब आरबीआई ने रूरल एरियाज के लिए कर दिया है 1.25 लाख एंड फॉर द अर्बन एरियाज के लिए आरबीआई ने कर दिया है 2 लाख रुपीज। ध्यान रखिएगा, रूरल एरियाज के लिए 1.25 लाख एंड अर्बन एरियाज के लिए क्या 2 लाख। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, बाय गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पपुआ न्यू गिनी, किस कंट्री ने अभी अभी इंडिपेंडेंस ली है, इस पपुआ न्यू गिनी से आजाद हुआ है, कौन सा नया देश बना है दुनिया का। तो देखिए, ये जो देश है नया बना है, ये बना है बोगनविले। बेसिकली एक आइलैंड भी है, ये अभी एक नया कंट्री बना है बोगनविले, पपुआ न्यू गिनी से इंडिपेंडेंस लेकर अलग होकर एक नई कंट्री बन गई। चलिए बात करें हम बोगनविले की, इसकी जो कैपिटल है वो है बुका, इसकी कैपिटल है एंड करेंसी सेम विद द पपुआ न्यू गिनी चलती है यहां पर क्या किना, यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है किना। एंड जो पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट मोरिस बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was appointed as the brand ambassador of the National Anti-Doping Agency? देखिए, ड्रग फ्री स्पोर्ट्स के लिए बॉडी काम करती है अंडर द वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजेंसी, इंडियन बॉडी है नेशनल एंटी डॉपिंग एजेंसी। अभी अभी इसने एक इंडियन वेट लिफ्टर सीमा, इंडियन वेट लिफ्टर सीमा, इनको बैन भी किया अभी इन्होंने। तो नेशनल एंटी डॉपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये है सुनील शेट्टी बने हैं इस नेशनल एंटी डॉपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 2005 में बनी थी और इसके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नवीन अग्रवाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच कंट्री विल बी पार्टनर कंट्री फॉर बायो एशिया 2020 शेड्यूल। देखिए, बायो एशिया समिट ये 2020 में होगा, फरवरी 2020 में कहां होने वाला, तेलंगाना के अंदर होगा। तो कौन सी कंट्री यहां पर इंडिया के साथ पार्टनर कंट्री रहने वाली है इस बायो एशिया समिट के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पार्टनर कंट्रीज को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, मालदीव्स, इनमें से कौन सा शहर रहने वाला, कौन सा देश रहने वाला है यहां पर क्या इंडिया का पार्टनर कंट्री। चलिए, ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बना है अगले साल होने वाली बायो एशिया समिट के लिए, सॉरी 2020 में होने वाली बायो एशिया समिट के लिए इंडिया का पार्टनर कंट्री। ये होने तेलंगाना में होने वाली है 17 से 19 फरवरी तक। इस साल इसका थीम क्या रहेगा, इस साल इसका थीम रहेगा टुडे फॉर टुमारो। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है चंद्रशेखर राव। हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है तमिलिसाई साउंडरा राजन। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन विच स्टेट द फर्स्ट पशु किसान क्रेडिट कार्ड इन इंडिया वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू 101 एनिमल फार्मर्स। किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के अंदर 101 किसानों को दिए क्या पशु किसान क्रेडिट कार्ड दिए किस राज्य की सरकार ने 101 किसानों को, एनिमल फार्मर्स को। तो ये जो स्टेट है वो है हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने दिए हैं अपनी स्टेट के अंदर 101 एनिमल फार्मर्स को क्या पशु किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए, यहाँ की सरकार ने टारगेट किया है कि 2021 तक ये 10 लाख कार्ड बांटने वाले, 10 लाख क्रेडिट कार्ड, ताकि इन कार्ड्स की सहायता से यहाँ के जो किसान है वो बैंक से लोन लेकर एनिमल्स परचेज कर पाए, चाहे काऊ है, चाहे बफेलो है, चाहे गोट है, किसी भी तरह के एनिमल अगर उन्हें परचेज करना है तो वो कर पाए। हालांकि ये जो क्रेडिट कार्ड होगा उससे ये टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना कितना पैसा मिल सकता है किस चीज के लिए। अगर उन्हें काऊ, बफेलो कुछ भी खरीदना है तो बैंक उनको कितना पैसा देगा, काऊ के लिए मिल सकते हैं 40,783 रुपीज एंड बफेलो के लिए मिल सकते हैं 60,249 रुपीज। एंड अगर उन्हें शीप लेना है, गॉड या शीप, तो 4,063 रुपीज एंड पिक के लिए 16,337 रुपीज पर पिक उन्हें लोन मिल सकता है और हैंस के लिए 720 और 160 रुपीज ब्रॉयलर हैन के लिए उन्हें मिल सकते हैं। हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है क्या पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, 10 लाख कार्ड बांटने इनको 2021 तक। हरियाणा में अभी अभी थोड़ा टाइम पहले ही चुनाव हुए हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, री इलेक्ट हुए हैं, और डिप्टी सीएम भी हैं दुष्यंत चौटाला, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए बढ़ते आगे। रिसेंटली आरबीआई आस्क बैंक नॉट टू चार्ज सेविंग अकाउंट कस्टमर फॉर नेफ्ट फ्रॉम विच ईयर। अभी अभी आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि जो बैंक है वो
बैंक है अपने कस्टमर से, सेविंग अकाउंट कस्टमर से नेफ्ट ट्रांजेक्शन के लिए कोई अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। देखो टैक्स तो इन ट्रांजेक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता था सर्विस टैक्स, वो तो गवर्नमेंट ने पहले ही अबॉलिश कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, चार्जेस भी अबॉलिश कर दिए कि बैंक कोई सर्विस चार्ज भी नहीं लेगा। बेसिकली ये मूव किया जा रहा है इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को बूस्टअप करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स का यूज करें। डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक चीज हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करें अगर हम, वो है कमेटी, कि गवर्नमेंट ने कौन सी कमेटी बनाई है डिजिटल पेमेंट्स को बूस्टअप करने के लिए। तो ये कमेटी है हमारे पास नंदन निलेकनी कमेटी, नंदन निलेकनी कमेटी। इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को बूस्टअप करने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी के हेड है नंदन निलेकनी, द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंफोसिस एंड ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ इंफोसिस एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ आधार कार्ड, नंदन निलेकनी जी, इनकी कमांड में कमेटी बनाई गई है। तो इन्होंने काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं डिजिटल पेमेंट्स को लेकर। तो अभी गवर्नमेंट ने नेफ्ट ट्रांजेक्शंस के लिए क्या किया, नेफ्ट ट्रांजेक्शंस के लिए किया है कि किस डेट से इसके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये ऑलरेडी अप्लीकेबल हो चुका है फ्रॉम द जनवरी 2020, फर्स्ट ऑफ जनवरी से ये ऑलरेडी अप्लीकेबल है कि अब बैंक चार्ज नहीं करेंगे अपने कस्टमर्स को, सेविंग अकाउंट कस्टमर्स को नेफ्ट ट्रांजेक्शंस के लिए। अगर कोई भी कस्टमर नेफ्ट ट्रांजेक्शंस को यूज करता है तो बैंक उनसे कोई चार्ज नहीं लेगा। डिजिटल पेमेंट्स को बूस्टअप करने के लिए स्टेप किया गया नेफ्ट, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके साथ साथ अगर हम और देखें तो देखिए ये जो नेफ्ट है इनके लिए क्या होता है, नेफ्ट हो या आरटीजीएस हो, ये बैंक वर्किंग आवर्स में काम करते हैं, बैंक वर्किंग आवर्स में काम करते थे। तो आरटीजीएस तो अभी भी बैंक वर्किंग आवर्स में ही काम करता है। नेफ्ट के लिए आरबीआई ने एक रूल चेंज कर दिया, आरबीआई ने 16 दिसंबर से, आरबीआई ने 16 दिसंबर से क्या किया, 16th ऑफ दिसंबर से आरबीआई ने नेफ्ट को 24/7 कर दिया कि अब आप कभी भी नेफ्ट सर्विसेज को यूज कर सकते हो। पहले ये सिर्फ बैंक वर्किंग आवर्स में काम करते थे कि अगर बैंक खुला है तभी आप नेफ्ट का यूज कर सकते हो, जब बैंक नहीं खुला तो आप पैसा ट्रांसफर कर दोगे, बट जिसको आप सेंड कर रहे हो उसके अकाउंट में तभी जाएगा जब बैंक खुलेगा। दो दो घंटे के बैचेस में काम करता है ये नेफ्ट, अगर जब बैंक बंद हो जाएगा, देखो अभी क्या होगा, अगर जब बैंक बंद हो जाएगा उसके बाद ये किस प्रोसेस के थ्रू काम करेगा, इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। नेफ्ट किस प्रोसेस के थ्रू काम करेगा, वो प्रोसेस है एसटीपी, दैट इज स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग एसटीपी। इस प्रोसेस के थ्रू ये नेफ्ट ट्रांजेक्शंस वर्क करेंगी आफ्टर द बैंक वर्किंग आवर्स, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग एसटीपी प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे, सना मरीन, ये किस देश की नए प्रधानमंत्री बने हैं, सना मरीन बने हैं प्रधानमंत्री फिनलैंड के। ये हैं बेसिकली, यहां पर चुनाव नहीं हुए हैं, जस्ट प्राइम मिनिस्टर फेस चेंज हुआ है। तो सना मरीन इनको बनाया गया यहां पर क्या, नया प्राइम मिनिस्टर फिनलैंड देश का। और फिनलैंड देश का प्रधानमंत्री बनते ही ये सिर्फ 34 इयर्स ओल्ड है, ये सिर्फ 34 साल की है, और इसी के साथ साथ ये बनी है दुनिया की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वर्ल्ड के किसी कंट्री की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है क्या, सना मरीन। तो देखिए यंगेस्ट तो बनी है सना मरीन, अगर हम बात करें दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है अगर हम उसकी बात करें, तो उनका नाम है महाथिर बिन मोहम्मद। दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर महाथिर बिन मोहम्मद। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये है मलेशिया के प्रधानमंत्री, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर महाथिर बिन मोहम्मद, ही इज ऑफ 93, ये 93 इयर्स ओल्ड है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे आज तक के, तो वो है राजीव गांधी जी, जो कि 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। और अगर हम सबसे ओल्डेस्ट की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट इंडिया के रहे हैं मोरारजी देसाई, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 81, वो अपनी 81 की एज में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई जी। और अभी हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, फिनलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं सना मरीन, वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। चलिए बढ़ते आगे,
What is the rank of India in the United Nations Human Development Index? Human Development Index में इंडिया का रैंक कितना रहा इस बार? इस साल इंडिया का रैंक क्या आया Human Development Index के अंदर? तो पिछले साल से इंडिया ने कुछ इम्प्रूव किया है. पिछले साल हमारा रैंक था 130, इस बार हमारा रैंक आया है 129. देखिए, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, ये प्रीवियस ईयर की स्कोर के ऊपर आता है. मतलब 2019 का जो रैंक आया ये 2018 के स्कोर्स के ऊपर आया. तो एग्जाम में स्कोर्स को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस साल इंडिया ने कितना स्कोर किया था जिसके ऊपर इंडिया का 129 रैंक आया अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो इंडिया का स्कोर इस बार रहा 0.647. 0.647 स्कोर के साथ इंडिया का रैंक आया 129. और इसमें टॉप किसने किया? इस इंडेक्स में टॉप किया है नॉर्वे देश ने. चलिए बढ़ते हैं आगे. द फर्स्ट एवर सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ऑफ द वर्ल्ड इज शेड्यूल्ड टू बी सेट अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य के अंदर बन रहा है दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल? तो देखिए, ये जो सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बन रहा है, ये दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल है. आज तक किसी भी देश में सीएनजी पोर्ट टर्मिनल नहीं है. तो सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की बात हुई तो ये किसी पोर्ट के आसपास ही बनेगा पहली चीज. तो ये बन रहा है भावनगर पोर्ट के पास. तो एग्जाम में क्वेश्चन भावनगर पोर्ट भी बनता है कि भावनगर पोर्ट कहाँ है, तो ये भावनगर पोर्ट के पास बन रहा है. भावनगर पोर्ट कहाँ है? ये है गुजरात के अंदर. तो यहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा? गुजरात. दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहां बन रहा है? गुजरात के अंदर बन रहा है. गुजरात, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर और यहां के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी. चलिए, तिरुनेल्लई नारायणा अय्यर शेषन, बेसिकली इनको शॉर्ट में बोलते हैं टीएन शेषन. तो टीएन शेषन ये अभी नहीं रहे, तो ये क्या थे? ये फॉर्मर क्या रह चुके हैं? हमारे अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, या फिर सॉलिसिटर जनरल, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं. टीएन शेषन, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है. एशिया का नोबेल प्राइज इसको हम बोलते हैं. चलिए, टीएन शेषन ये है इंडिया के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर. टीएन शेषन ये इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं. टीएन शेषन तो ये अब नहीं रहे, तो इनको मिला हुआ है रेमन मैग्सेसे अवार्ड. तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है. तो अगर हम बात करें, इस साल ये अवार्ड एक इंडियन को मिला. बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है वो हमारे, दैट इज रवीश कुमार जी को इस साल मिला क्या? रेमन मैग्सेसे अवार्ड. फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड. चलिए, यहां पर बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो रही है, तो बात कर लेते हैं यहां पर इलेक्शंस की. इंडिया में जो बॉडी इलेक्शंस को कंडक्ट करती है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था 25 जनवरी 1950 को बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कौन से आर्टिकल के अंदर? अंडर द आर्टिकल 324. ये कहां पे है? ये है नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देखिए, इस बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से है. इस बॉडी में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर. तो अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और दो इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा. और हमारे जो दो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुशील चंद्र और अशोक लवासा. चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इन दोनों को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा और हमारे फॉर्मर वन ऑफ द फॉर्मर थे टीएन शेषन, जो अब नहीं रहे, जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है. तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की यहां पर अगर हम बहुत एक और बात करें, 25 जनवरी को बना था. तो 25 जनवरी को हम ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? नेशनल वोटर्स डे. चलिए चलते हैं आगे. हु हैज बीन इन्वाइटेड बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑन इंडियाज रिपब्लिक डे
2020 सेलिब्रेशन इन न्यूयॉर्क। 2020 में हमारा जो रिपब्लिक डे है उसकी सेलिब्रेशन के लिए न्यूयॉर्क के अंदर फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने किस पर्सनालिटी को इनवाइट किया है? तो ये जो पर्सनालिटी है वो है अनंत कुमार, द फाउंडर ऑफ सुपर 30। ये इंडिया में एक एजुकेशनल ग्रुप चलाते हैं सुपर 30। बेसिकली ये आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा, ये 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं हर साल और उनको IIT की कोचिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अनंत कुमार। तो अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन जो कि बेसिकली एक बहुत पुराना NRI ग्रुप है, तो इसने क्या किया, ये हर साल ही US में ऑर्गेनाइज करता है, हर साल न्यूयॉर्क के अंदर ये ऑर्गेनाइज करता है क्या, रिपब्लिक डे। इसको इस साल 2020 में हमारा जो रिपब्लिक डे आ रहा है और 2020 में ही FIA को बने हुए 50 साल हो चुके हैं, 50 ईयर। तो इस साल जो इसका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ये कर रहा है तो इसने एक इंडियन पर्सन को इनवाइट किया न्यूयॉर्क के अंदर इस सेलिब्रेशन के लिए, दैट इज अनंत कुमार। और अगर हम बात करें हर साल हम रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज करते हैं तो इस रिपब्लिक डे पे इंडिया में हमने किसको इनवाइट किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया है ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। हर साल ही हम किसी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को यहां पर इनवाइट करते हैं, तो इस साल हमने इनवाइट किया है जेयर बोल्सोनारो जी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु इज द राइटर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स? इस किताब के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस किताब है, ये पिछले साल लॉन्च की गई थी 2018 में, तो किताब तो पुरानी है, बट क्वेश्चन हम इसके बारे में अभी क्यों पूछ रहे हैं? अभी क्या हुआ, अभी इस किताब का ब्रेल वर्जन लॉन्च किया गया, तो इसलिए ये किताब अभी न्यूज में आई, क्योंकि ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिखी हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को लिखा हुआ है, तो ये किताब हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी हमारे जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर है, सामाजिक न्याय एंड सशक्तिकरण के मंत्री थावरचंद गहलोत जी, जो कि राज्यसभा के लीडर भी हैं, इन्होंने ये किताब लॉन्च करी है, इस किताब का ब्रेल एडिशन लॉन्च किया है। देखिए ब्रेल क्या होता है, ब्रेल बेसिकली एक कोडिंग लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ कोडिंग सिस्टम। तो ये कोडिंग सिस्टम होता है किन के लिए, जो विजुअली इंपेयर्ड या ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनके लिए, ताकि वो इन चीजों को पढ़ सके। तो ब्रेल एक ऐसा चीज है, एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा कोडिंग सिस्टम है जिसके चलते हम किसी भी लैंग्वेज को रीड या राइट कर सकते हैं। तो इस किताब का ब्रेल एडिशन लॉन्च किया गया बाय द राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ ने इसको लिखा है, प्रिंट किया है, जो कि जयपुर के अंदर है। तो ब्रेल एडिशन ऑफ एग्जाम वॉरियर्स, और एग्जाम वॉरियर के राइटर है नरेंद्र मोदी जी, 2018 में यह किताब लॉन्च की गई थी। एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर यह किताब है, स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए कि इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए यह किताब लिखी गई। चलिए चलते हैं आगे। द SBI इंक्स $277 मिलियन पैक्ट विद KFW बैंक। तो KFW बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? देखिए KFW बैंक के साथ RBI ने $277 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया में एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम्स के लिए। ये जो लॉन्च किया गया है, तो KFW बैंक के साथ SBI ने अपना ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो KFW बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये किस देश का बैंक है, ये फॉरेन बैंक है, तो किस देश का बैंक है ये? तो KFW बैंक है जर्मनी का, ये जर्मनी का बैंक है, इंडिया में काम करता है, इंडिया में इसकी ब्रांचेस भी है। तो इस बैंक के साथ SBI ने एग्रीमेंट साइन किया है $277 मिलियन का इंडिया में एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम के लिए, हाउसिंग प्रोग्राम के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1955 में बना था, अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। मुंबई में हेडक्वार्टर है, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, और इसके अंदर 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, अभी 3 वर्किंग है, तो इन तीनों का नाम भी हम बात कर लेते हैं, दैट इज अरिजीत बसु, PK गुप्ता एंड दिनेश कुमार। एक और थी जो 4th थी, वो चली गई है वर्ल्ड बैंक के अंदर, दैट इज अंशुला कांत, उनका नाम था अंशुला कांत, वर्ल्ड बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी है। तो SBI के अंदर प्रेजेंटली 3 मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक क्लियर होगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।